डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, डायरेक्ट स्पीच आएगा बदलने, डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है कहां हमको सब मतलब दाएं तरफ है बाएं तरफ मतलब हमको नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में खाली सेंटेंस जो दाएं तरफ है रिपोर्टेड स्पीच का, उसका सेंटेंस का टाइप के अनुसार तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा तो आस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन का जो क्वेश्चन है उसमें आया है रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल एक्शन, लॉजिक की बात। रिपोर्टिंग वर्ब सेड भी रहे क्या वो बदलेगा? राम सेड गॉड इज एवरीवेयर, क्या कर दें? सेड के कारण से गॉड वाज एवरीवेयर लिख दें, गॉड वाज एवरीवेयर लिखेंगे तो क्या मीनिंग हो जाएगा? गॉड सब जगह था अब नहीं है। असल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट, देन व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन रिपोर्टेड स्पीच टेंस डज नॉट चेंज। क्या समझे? डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, सब तो क्वेश्चन डायरेक्ट से ही आएगा। डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड लगा हुआ है और रूल कहता है सेड रहेगा दाएं तरफ, तो बदलिए दाएं तरफ के सभी को कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट मिल दीजिए, यस और नो, उसके टेंस को बदलिए। यहां पे ये रूल मात खा जाएगा। लॉजिकली यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रहा कोटेशन मार्क में, यानी रिपोर्टेड स्पीच इफ यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, बाएं तरफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे कि फ्यूचर रहे पास्ट रहे प्रेजेंट रहे, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, आप बदलिएगा तो रॉन्ग मीनिंग आएगा उसका। एग्जाम्पल, वी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नाउ यू सी इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आप, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यस और नो? वी सेड, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वी, सेड रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, बट इन रिपोर्टेड स्पीच इन कोटेशन मार्क द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सेंटेंस को अलर्ट होकर अवेयर होकर तुरंत जागरूक रहना है। ये कौन सा टाइप सेंटेंस हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। यहां पे सेड के कारण आप नहीं बदल सकते हैं दाएं तरफ, जबकि ये यूनिवर्सल रूल है, मास्टर रूल है कि सेड रहेगा तो बदलिए। यहां बदलने पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसको पास्ट में बदलिएगा सच्ची बात को, तो सच्ची थ्रोन झूठा थ्रोन हो जाएगा। हम कहें कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको पास्ट में बदलिएगा, कॉमन सेंस की बात। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वाटर बनता था, अब नहीं बनता, इसका मतलब। यूनिवर्सल ट्रुथ बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको ऐसे समझिए कि सच्ची बात अगर हो जो झूठ नहीं हो सकता है, वो मार्स पर भी सही होगा, अमेरिका में भी सही होगा, इंडिया में भी सही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसी के समझाने क्या बोला गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन। इफ इन कोटेशन मार्क, इफ इन रिपोर्टेड स्पीच, इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे फ्यूचर रहे कि प्रेजेंट रहे, एनी प्रॉब्लम, इट विल नॉट चेंज। एग्जाम्पल, वी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, प्लीज चेंज इट, वी सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दैट तो लगेगा ही, दैट क्यों लगेगा? बिकॉज द अर्थ मूव्स राउंड द सन बेसिकली क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जल्दी बोलिए, दैट लगेगा, दैट कनेक्टेड से जोड़ दिए हम, ब्रिज बना दिए हम, नेक्स्ट क्लॉज में घुस गए, परमिशन दे दिया हमको, असर्टिव है, दैट मार दीजिए भाई, दैट मार दिए। और देख रहे, ये तो सेट तो रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन दाएं तरफ जो कोटेशन मार्क में रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको था में करेंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगा। वी सेड दैट द अर्थ मूव्ड, बोल दें मूव्ड, अर्थ राउंड किया करता था, मूव किया करता था, अब नहीं करता है, क्या सच बात होगा? सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग दे ही नहीं रहा है, गलत मीनिंग दे रहा है, सेंटेंस नहीं है। एक और एग्जाम्पल, आई सेड I always walk in the morning. Reported speech. तुरंत पकड़ लेंगे बुद्धि से कि भैया ये क्या है? Habitual है, habit है किसी का, always भी लिखा हुआ है, हमेशा morning में walk पे जाते थे, कैसे लिखिएगा? आज भी जाता है वो। I said that
आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। दोनों एग्जाम्पल आपने क्या देखा, एक यूनिवर्सल ट्रुथ का और एक हैबिचुअल एक्शन का। लेकिन मैं इसे हट के बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ भले एक सीमित दायरे में बांध देता है हमारे वर्ड को, ब्रह्मांड में जो सच है ये मीनिंग इसका हुआ, पूरे ब्रह्मांड में जो सच है यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब दुनिया में कहीं भी बोला जाएगा वो सत्यवाद है, तो सत्यवाद वाला कोटेशन मार्क में चेंज नहीं होगा, भले रिपोर्टिंग वर्ब सेड क्यों ना हो। क्लियर? आप चेंज करेंगे मीनिंग नहीं आएगा, देयरफॉर ग्रामेरियन ने कहा है कि नहीं बदलिए। सही तो लॉजिक बोला है वो, तो बदले बदल के देखिए ना भाई मीनिंग क्या आ जाएगा। अर्थ मूव किया करता था सन का, अब लगता है कि कल से मूव नहीं कर रहा है। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट आप देख रहे हैं, इस सारा रूल समझ रहे हैं आप, इस सब रूल लागू होगा। टू मेक क्लियर सेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड्स चेंजेस। सारी बात जो हम बोल रहे हैं, अपने मन में ये कंसेप्ट रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का सूत्र, यानी भाव क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे, उसका पढ़ चुके हैं, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलता है, अभी पढ़े यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल वो सब नहीं बदलेगा, और पढ़े थे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, दाएं तरफ का टेंस नहीं बदलेगा। इतना ही रूल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी बदलेंगे, टेंस को हटके, यूनिवर्सल ट्रुथ को हटके, हैबिचुअल को हटके, कुछ वर्ड भी बदलेगा, उसका लिस्ट लिखेंगे फटाफट। क्या समझे? क्लियर सेंस देने के लिए जब बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, क्लियर सेंस देने के लिए यानी मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए, सही सेंटेंस के लिए, शुद्ध सेंटेंस के लिए, फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस। कितना दिमाग को दुरुस्त रखना पड़ता है निरसन के लिए। समय सूचक और दूरी सूचक शब्द बदलते हैं। एक कॉलम बनाइए इन डायरेक्ट स्पीच, दूसरा कॉलम बनाइए इन इनडायरेक्ट स्पीच, दिस दैट दीज दोज Now, then, ago changes into before, today that day, tomorrow the next day, yesterday the previous day, tonight that night, next week the following week. Example, he said I saw her yesterday. फुर्ती से बदलिए, पहले inverted comma के अंदर कौन type of sentence, कौन सा type of sentence quotation में है, assertive, ठीक है, affirmative. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और ये किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल पास्ट में, क्या चीज बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलिए। आई सॉ हर यस्टरडे, सेड लगा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, आई सॉ हर यस्टरडे, ओ पास्ट में है, बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, बोलो आंसर फटाफट। ही सेड दैट ही हैड सीन हर द प्रीवियस डे। यस, ये एग्जांपल सिर्फ किए हैं यस्टरडे के लिए, बाकी सब रूल वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। He said that he had seen her the previous day. Yesterday, समय सूचक की दूरी सूचक, समय सूचक टाइम रिलेटेड वर्ड, भाई पढ़े हैं, बदलेगा yesterday में, बदल दिए, सॉरी प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में बदल दिए। He said I saw a book here. एक किताब यहां पर, here is word time related or distance related, distance related, yes, here, यहाँ, यहाँ पे मौजूद हैं आप लोग, नजदीक में है, देयर दूर, क्या हो गया, समय की दूरी सूचक, दूरी सूचक, यस। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक देयर, सेम टेंस, सेम रूल, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, बदलेगा पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, कोटेशन मार्क में, टाइप ऑफ सेंटेंस है सिंपल पास्ट, असर्टिव का सिंपल पास्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं उसको, असर्टिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट, ये सब एक ही वर्ड है, यानी प्रॉब्लम। उसी में एक निगेटिव सेंटेंस भी होता है, असर्टिव का दो भाई, अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, हो गया वो निगेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव यानी प्रॉब्लम, उसका एक नाम क्या है, असर्टिव। समान रूप से समझने के लिए असर्टिव को सामान्य स्टेटमेंट, कैपिटल से स्टार्ट फुल स्टॉप से, मैं खाता हूं, हंसता हूं, सिंपल, बिना और बिना पंचुएशन मार्क का, सिर्फ फुल स्टॉप छोड़ करके।